इनकी टीम देखोगे तो कितना खतरनाक स्ट्रगल। नाउ भाई ब्रॉक लेसनर ने भैया आतंक शुरू कर दिया अपना। नाउ हियर कम द स्टॉर्म माइकल कोल DF5 फ्रॉम द बीस्ट इन कॉर्नेट। या ब्रॉक लेसनर आज मूड में है। वाह भैया बोलर भैया मंडे नाइट रहो तो भैया इज माय होम टाउन बोल दिया एट द टेबल। एक्नॉलेज मी ब्रॉक, एक्नॉलेज मी। सो हे गाइस वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल गाइस। थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग दिस वीडियो गाइस। तो टुडे गाइस मैंने इंस्टाग्राम में पोस्ट किया था, आप लोगों ने देखा होगा इंस्टाग्राम का स्टोरी। अगर नहीं देखा तो फिर आप लोग मिस कर दिए मौका। खैर कोई नहीं, आने वाला टाइम पे भी आएगा। तो गाइस आज हम लोग करने वाले हैं WWE 2K23 में गाइस टीम रॉ वर्सेस टीम स्मैकडाउन। सर्वाइवर सीरीज का वीकेंड चालू होने वाला है, सर्वाइवर सीरीज का मंथ चल रहा है। तो हमने सोचा चलो भैया टीम रॉ वर्सेस टीम स्मैकडाउन किया जाए। तो मैंने इंस्टाग्राम में स्टोरी डाला था जिसमें मेरे दो सब्सक्राइबर का मुझे बहुत अच्छा लगा टीम, तो मैं शॉर्ट आउट देना चाहूँगा। सबसे पहले टीम रॉ का, और वो गाइस टीम रॉ है अंकित झा भाई। तो अंकित झा शॉर्ट आउट टू यू मेरे दोस्त, आपका है गाइस यहाँ पर टीम रॉ जिसमें आपने चूज़ किया रैंडी ऑर्टन, कोडी रोड्स, गंथर एंड ब्रॉक लेसनर। और देख सकते हैं अटायर भी अपडेटेड है। चाहे यहाँ पर गाइस बात करेंगे हमारे नेक्स्ट टीम स्मैकडाउन का, तो इनको मैं शॉर्ट आउट देना चाहूँगा गाइस हमारे सौम्य सोलंकी भाई को। तो सौम्य सोलंकी ने ये टीम चूज़ किया, आप देख सकते हैं इसमें रोमन है, एले नाइट है, सोलो सिकोवा एंड द रॉक। तो ये टीम मुझे काफ़ी बैलेंस लगी एंड स्ट्रॉन्ग लगी। बाकी लोगों ने भी कुछ कुछ पिक किया था, जैसे कि कुछ लोगों ने गोल्डबर्ग वगैरह भी दिया था, कुछ और भी दिया था, बट मेरे को लगा कि ये टीम स्ट्रॉन्ग है। और गेम के हिसाब से मैंने पिक किया बिकॉज मेरे हिसाब से देखा जाए तो यहाँ पर टीम बैलेंस है। रॉक है जहाँ हम लोग पता कितना अच्छा चलता है। खैर बाद में बात करेंगे, बात बहुत हो गया। तो क्या जगह आप लोगों ने अभी तक लाइक नहीं किया तो इस वीडियो को लाइक कर देना एंड चैनल अगर पहली बार देख रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो। मेरा नाम है क्लाउड, आप लोग देखोगे यहाँ पर एवरीडे इस तरह का ऑसम वीडियोस WWE 2K23 एंड आने वाला 2K24 का। तो खैर हो गया है बातचीत, बहुत स्टार्ट करते हैं। और गाइस यहाँ पर मैच हो चुका है और आते ही साथ ब्रॉक लेसनर वर्सेस रोमन रेंस का फेस ऑफ हो चुका है। और रोमन रेंस टीम स्मैकडाउन को लीड करते हुए नंबर वन पर आए हैं, ब्रॉक लेसनर लीड करते हुए अपने टीम रॉक और आए हैं। और यहाँ पर देखना इंटरेस्टिंग है कि कौन सी टीम पहले यहाँ पर एलिमिनेट करती है किसको। लाल भाई ब्रॉक लेसनर खतरनाक खेल रहा है, इसी के साथ ब्रॉक का पहला बैक सुप्लेक्स आगे फ्रंट फेंक दिया खतरनाक तरीके से। गाइस इनकी टीम देखोगे तो कितना खतरनाक स्ट्रगल। और नाउ भाई ब्रॉक लेसनर ने भैया आतंक शुरू कर दिया अपना। नाउ हियर कम द स्टॉर्म माइकल कोल DF5 फ्रॉम द बीस्ट इन कॉर्नेट। और इसी के साथ ब्रॉक ने F5 लगा दिया, लेकिन रॉक रैंडी मुझे टकला देख के लगा वो रॉक। और लेकिन भैया ब्रॉक लेसनर आज मूड में है। वाह भैया बोलर भैया मंडे नाइट रहो तो भैया इज माई होम टाउन, आप तो भैया उड़ा रहा है भाई। ब्रॉक लेसनर इज ऑन फायर गाइस, मैंने बोला था ना टीम मुझे बहुत अच्छी लगी, इसीलिए मैंने टीम को पिक किया। और इसी के साथ किंग उड़ा लॉक, रोमन इसको एलिमिनेट करने के बहुत करीब, रोमन इसको एलिमिनेट हो जाएगा। लेकिन यहाँ पर भाई उनके इन्फोर्सर द सोलो सिकोवा दौड़ के आ गए भैया, अपना हैंड लेकर बचा दिया। लेकिन यहाँ पर भाई पॉसम पिन, और रेफरी को देख सकते हैं यहाँ पर वाइट ड्रेस दिया, रेफरी डिस्ट्रैक्ट हो गया भाई इस तरह से। रोमन इसका पिन नहीं हो रहा, लेकिन इतना हमें मौका मिल गया रैंडी ऑर्टन को ड्रामा करने का। उन्होंने डिस्ट्रैक्ट कर दिया, यहाँ पर पिन को ब्रेक कर दिया, लेकिन भाई ट्रैवलशिप ने बोल दिया हेड ऑफ द टीम ऑन एक्नॉलेज मी ब्रॉक, एक्नॉलेज मी। और भाई ब्रॉक लेसनर का एक्नॉलेज करने के लिए टीम चौक, और भाई सब खत्म। द हेड ऑफ द टेबल द ट्राइबल चीफ इन गॉड मोड हिमसेल्फ रोमन रेन्स आतंक मचाया थोड़ा देर के लिए। और भाई रोमन रेंस ने बोला ब्रॉक लेसनर जब जब तुम उठोगे तो ट्राइबल चीफ इज देयर। और भाई ट्राइबल चीफ ने भाई टीम स्मैकडाउन को एक अपर हैंड दे दिया भाई एक तरह से देखा जाए तो। और यहाँ पर भाई लीगल मैन फिलहाल भी देख सकते हैं अपने LA नाइट, ये तो LA नाइट भाई लीगल मैन। और यहाँ पर गंथर है लीगल मैन, और भाई टीम रॉ वर्सेस टीम स्मैकडाउन भाई यहाँ पर मैच बहुत खतरनाक हो रहा है। आप लोग कमेंट में बताओ कि आप लोगों को कैसा लग रहा है। मेरे हिसाब से मेरा ये आइडिया मेरे को बहुत सही लग रहा है, मेरे को बहुत मज़ा आ रहा है लिटरली। मतलब नॉर्मल टीम मैचेस में से इंटरेस्टिंग लग रहा है क्योंकि इसमें अटैक दे दिया तो काफ़ी कूल लग रहा है सर्वर सीरीज के अरीना में। और यहाँ पर LA नाइट ने गंथर को पकड़ लिया लेकर जा रहे अपने एंड पर, लेकिन यहाँ पर गंथर ने रिवर्स कर दिया भाई। लेकिन सच में यार ब्रॉक का एलिमिनेट इतना जल्दी भी रोमन कर देगा ये देखने वाली बात थी। और यहाँ पर गंथर ने लगा दिया अपना पावर बॉम्ब बैम, और LA नाइट को पिन करते हुए 6-1-2। लेकिन यहाँ पर भाई रोमन ने सही टाइम पर आकर बचा दिया, लेकिन पॉसम पिन बाय LA नाइट, पॉसम पिन बाय LA नाइट। और भाई बंदे ने जो यार टीम दिया है बढ़िया टीम दिया यार, सौम्य सोलंकी अंकित झा यार शॉर्ट आउट टू यू वन सेकंड, बहुत ही अच्छा दिया। आप लोग भी गाइस अपना टीम दे सकते हो इंस्टाग्राम में, आप मेरे को मैसेज कर सकते हो। इंस्टाग्राम का आईडी अगर मेरे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा आप लोगों को लिंक, तो इंस्टाग्राम में आप मेरे को मैसेज कर सकते हो कि टीम स्मैकडाउन या टीम रॉ के लिए नेक्स्ट वीडियो के लिए आप लोगों को कौन सा कैसा टीम चाहिए तो मेरे को बता देना कमेंट सेक्शन में। साइड साइड यहाँ पर भाई रिवर्स कर दिया है, ऑल राइट यहाँ पर जैसे तैसे करके बच गया। इसी के साथ गंथर इज गोइंग फॉर द मूव, नॉट स्लीपर होल्ड, गंथर ने स्लीपर होल्ड लगा दिया। कहीं LA नाइट एलिमिनेट होने के बहुत करीब, LA नाइट के यहाँ पर एलिमिनेट हो जाएंगे, लेकिन रोमन ने अभी है भाई टीम स्मैकडाउन आपको ज़्यादा ही स्ट्रॉन्ग लग रही है। लेकिन फिर भी गंथर ने थोड़ा डोमिनेटिंग किया भाई टीम रॉ की तरफ से। अभी फिलहाल ब्रॉक लेसनर के जाने के बाद भाई जैसे कि हमको बोला भी जाता है रियल लाइफ में कि मतलब गंथर को एक ब्रॉक लेसनर का लेवल का बोला जाता है बंदे, मतलब समझ रहे हो ना।
लोगों को मतलब गंथर से ब्रॉक को कंपेयर किया जाता है इस वजह से भाई। और रियल लाइफ का छोड़ो, यहाँ वर्चुअल लाइफ में मतलब कि गेम लाइफ में भी भाई यहाँ पर गंथर ने एटलीस्ट ब्रॉक का थोड़ा सा काइंड ऑफ डोमिनेंस तो दिखाया है, क्योंकि ब्रॉक लेसनर के जाने के बाद भाई मुझे नहीं लगा था भाई टीम रॉ इतना जल्दी उठ पाएगी, बट फिर भी भाई टीम रॉ यहाँ पर थोड़ा बेटर परफॉर्म कर रही है रैदर देन भाई ब्रॉक के जाने के बाद। पता नहीं क्या होगा यहाँ पर, क्योंकि ब्रॉक चली गई और कोडी को वहाँ पर डीडीटी पड़ चुका है और भाई यहाँ पर पूरा केओस मच चुका है। एलेनाइट लीगल मैन है, गंथर लीगल मैन है, बट यहाँ पर लीगल मैन से ज़्यादा इलीगल मैन लोग लड़ रहे हैं। इसी के साथ रॉक ने भाई रिवर्स कर दिया, उसी के साथ एलेनाइट लीगल मैन एंटर आ चुका। नाउ हियर कम्स द बीएफटी, नो वो उन्हीं का फिनिशर इंसल्ट टू द इंजरी और भाई पावर बॉम्ब, एलेनाइट ने भाई उन्हीं का फिनिशर लगा दिया, रोमन से रैंडी ऑर्टन को बाहर कर दिया ऑन अ किक आउट बाय गंथर। वो भाई क्या ही मजा आ रहा है, रिकॉर्ड कर लिया गंथर ने। पर उसी के साथ हियर कम्स अनदर मूव एंड नाउ हियर कम्स द बीएफटी, टीम स्मैकडाउन इज डोमिनेटिंग, व्हाट द हेक, एंड नाउ हियर कम्स कोडी रोड्स, टीम स्मैकडाउन भाई डोमिनेट करते हो भाई। रोमन ने ब्रॉक को एलिमिनेट कर दिया, एलए नाइट ने यहां पर भाई गंथर को एलिमिनेट कर दिया, इट्स 4-on-2 नाउ। क्या यहां पर भाई कोडी रोड्स एंड रैंडी ऑर्टन टीम रॉ के लिए कुछ कर पाएंगे, मुझे तो अब चांसेस बहुत कम लग रहे हैं। लेकिन हियर कम्स द क्रॉस रोड, इनकमिंग क्रॉस रोड लकी का इसी के साथ कोडी रोड्स का। Here comes the finisher and now referee 1-2 and a kick out by the enforcer Solo Sikoa. Randy Orton भाई ना कुछ भाई टीम रॉक का परफॉर्मेंस है, लेकिन भाई क्या कोडी रोड्स कुछ कर पाएंगे। और पॉसम पिन यहाँ पर सोलो सिको की तरफ से, रेफरी यहाँ पर भाई डिस्ट्रैक्ट हो चुके हैं, पिन भी नहीं कर रहे रेफरी, और यहाँ पर जैसे तैसे करके कोडी ने किक आउट कर दिया इसी के साथ देखा हमने। लेकिन यहाँ पर हेयर कम्स कोडी, अनदर मूव बाई क्रॉस रोड बाई कोडी रोड्स, भाई टीम के लिए खेल रहा है अकेला किंग कोडी रोड्स, जैसे कि मैं उनको प्यार से बोलता हूँ किंग कोडी रोड्स फॉर अ रीजन, बिकॉज गेम में गाइस लिटरली एक अलग लेवल पे लेकर जाकर खेलता है बंदा भाई, लिटरली मानना पड़ेगा। कोडी रोड्स का यहाँ पर बवाल परफॉर्मेंस भाई कोडी वंस अगेन, और इसी के साथ सोलो सिको को एलिमिनेट करने के लिए उनका फिनिशर लगाने की कोशिश की थी, लेकिन सोलो सिको का टेक डाउन। टीम स्मैकडाउन यहाँ पर बहुत ज़्यादा डोमिनेट करते हो, मुझे सच में लगा था, मतलब मैंने जब देखा एज अ टीम तो मुझे रॉ ज़्यादा स्ट्रांग लग रही थी डेफिनेटली। आप लोग अगर पेपर में देखोगे तो रॉ ज़्यादा स्ट्रांग लग रही थी, ब्रॉक लेसनर गंथर मैन यहाँ पर डोमिनेट कर दिया भाई। लेकिन रैंडी ऑर्टन का आरकीओ बच गया, स्पिनिंग सोलो, ओ नो, ड्रॉप किक बाय रैंडी ऑर्टन, नाउ रैंडी ऑर्टन इज गोइंग फॉर द पंट किक, टैग देना चाहते थे सोलो सिकोवा, लेकिन भाई रैंडी ऑर्टन ने उनको मारा है सब सोलो सिको को, और यहाँ पर आरकीओ, व्हाट द हेक, रॉक इज गोइंग फॉर आरकीओ, क्या हो रहा है मुझे सच में समझ नहीं आ रहा है भाई साहब, क्या ही पंट किक मारा भाई सोलो सिको, एकदम सॉकर लेवल का किक मार के उड़ा दिया भाई। नाउ हियर कम द रॉक बॉटम और भाई रैंडी ऑर्टन भी शांत, रैंडी ऑर्टन एलिमिनेटेड, कोडी रोड्स अगेन 1v3 कर पाएंगे क्या कोडी रोड्स यहाँ पर अपनी टीम के लिए मंडे नाइट रॉ के लिए। नाउ 1-2 एंड अ किक आउट बाय द रॉक, ओ भाई साहब मैच में भाई ज्यादा ही, अब तो भाई एकदम एक तरफा हो चुका है ये मैच, इट्स टाइम अब हम लोग को ये बता देना चाहिए कि मेरे को लग रहा है कि अब कुछ भी हो सकता है। यहाँ पर बहुत ज़्यादा चांस कम है कि भाई अब टीम रॉ यहाँ से कवर मतलब रिकवर कर पाएगी अपनी टीम के लिए, आई डोंट नो यहाँ पर जीत पाएगी कि नहीं टीम रॉ। लेकिन यहाँ पर टीम रॉ से सिर्फ अकेला बंदा खड़ा है, वो है नन अदर देन किंग कोडी रोड्स, और क्या किंग कोडी रोड्स यहाँ पर अपनी टीम रॉ के लिए कुछ कर पाएगा। ऊपर से उड़ता हुआ डबल एक्स हैंडल रॉक को कर दिया है थोड़ा सा नीचे डाउन, रोमन इस नीचे लेटे हुए हैं, एलेनाइट ऊपर में, नाउ हियर कम्स कोडी रोड्स विद अनदर क्रॉस रोड एंड नाउ इसी के साथ एलिमिनेशन, टू एलिमिनेशन हो चुका है टीम स्मैकडाउन का। और लुक एट दैट कोडी रोड्स यहाँ पर स्टारडस्ट वाला रोल करके बताते हुए कि ही इज नॉट अ स्टारडस्ट एनीमोर, बट गिलिटीन चोक, हियर कम्स द हेड ऑफ द टेबल सर, और यहाँ पर हेड ऑफ द टेबल आ चुका है इसी के साथ, यहाँ पर कोडी रोड्स को एलिमिनेट करने के बहुत करीब, क्या कोडी रोड्स यहाँ पर हार मान जाएंगे। लेकिन बाय द हार्ट ऑफ कोडी रोड्स, He doesn't want to do that. और हार नहीं मानने वालों में से है भाई किंग कोडी रोड्स, ब्रॉक लेसनर हार मान गया, रैंडी ऑर्टन हार मान गया इन रोमन का डोमिनेटिंग परफॉर्मेंस से, बट यहाँ पर कोडी रोड्स हार मानने वालों में से नहीं है, ग्रैपल कर दिया है रोमन ने, और इसी के साथ कॉर्नर में जा रहे हैं सुपरमैन पंच विद द स्पीयर के लिए, एंड लुक एट दैट गाइस, रोमन इज गोइंग फॉर द बीएल थ्रो, भाई क्या ही मार रहा है। टीम स्मैकडाउन डोमिनेटिंग, टीम स्मैकडाउन यहाँ पर गेम खत्म करने के करीब, नाउ हियर कम्स द सुपरमैन पंच बाय द हेड ऑफ द टेबल इनटू द कवर, एंड नाउ 1-2 and a kick out by Rolls. Oh, wrestling has more than one royal family. Roman ja rahe hain tag dene ke liye, LA Knight, yeah, ko tag de diya. Now here comes LA Knight. Is he going for the BFT? Unke paas do finisher hai. Cody ke paas still finisher nahi. Agar ye laga to game khatam isi ke saath. Here comes, lekin nahi. King Cody ne yahan par bhai abhi rok diya hai. Game abhi baki hai. Picture abhi baki hai mere dost. Here comes the signature move. LA Knight is down. क्या यहाँ पर कोडी रोड्स कमबैक कर पाएंगे अपनी टीम के लिए? लेकिन क्रॉस रोड्स को रिवर्स कर दिया यहाँ पर LA Knight ने। एक अच्छा मूव था यहाँ पर और शायद यहाँ से गेम पलट सकते थे कोडी, लेकिन इसी के साथ क्या उनको थोड़ी और मेहनत करनी पड़ेगी अपनी टीम के लिए, बिकॉज यहाँ पर भाई टीम स्मैकडाउन में सिर्फ दो बंदे हैं, लेकिन कोडी अकेला परफॉर्म कर रहा है। सच बोलूँ तो मेरे हिसाब से, मैं अगर इस मैच का रिव्यू दूँ तो लिटरली ब्रॉक लेसनर ने उतना अच्छा परफॉर्मेंस नहीं दिया जितना
उनके फैंस उनसे एक्सपेक्ट करते हैं एब्सोल्युटली। ब्रॉक लेसनर ऐसा बड़ा नाम अगर ऐसा जल्दी अपनी टीम को मतलब पीछे छोड़ के चला जाएगा तो भाई पूरा मोरल डाउन हो जाता है उस टीम का। और यहाँ पर गाइस सिर्फ अकेला रोड्स खेल रहे हैं, कम ऑन यू हैव टू डू इट रोमन, यू हैव टू डू इट कोडी फॉर योर टीम एंड अकेली टीम चोक। आई एम सॉरी टू से गाइस बट इट्स टाइम टू ओवर, ये ओवर हो चुका है गाइस, बिकॉज हम जानते हैं कि रोमन इसका गिलिटिन चोक कितना डोमिनेटिंग है। और इसी डोमिनेटिंग परफॉर्मेंस से भाई टीम स्मैकडाउन यहाँ पर जीत चुके हैं एंड गाइस टीम रॉ यहाँ पर हार का सामना करना पड़ा उनको। और यहाँ पर ये रहा कुछ मैच का रिप्लेस, देख सकते हैं क्रॉस रोड आफ्टर क्रॉस रोड है भाई। किंग कोडी रोड से इस मैच को खेला भाई, और किसी ने नहीं खेला ज्यादा देन रैंडियो ने सिर्फ एक एलिमिनेशन किया, बाकी यहाँ पर आरकेओ भाई रॉक मार दिया अचानक से मूव अथी यूज करके, और भाई यहाँ पर टीम स्मैकडाउन लीड कर चुके। तो आप लोग कैसा लगेगा वीडियो कमेंट सेक्शन में बताना मत भूलना, और हाँ इंस्टाग्राम में या इंस्टाग्राम छोड़िए ना कमेंट सेक्शन में ही बताइए ना इंस्टाग्राम में आप लोग लेट हो कोई इंस्टाग्राम में नहीं होते हैं, कमेंट सेक्शन में मेरे को बताओ नेक्स्ट टीम मैच कौन सा होना चाहिए फटाफट, और जिसका टीम स्ट्रांग लगेगा मैं उसका पिक करूंगा ऐसे ही शॉर्ट आउट भी दूंगा। तब तक के लिए मिलता होगा, इस चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक करना मत भूलना, और हाँ इस वीडियो का लाइक टारगेट 100 है तो प्लीज कर देना। बाय।